ये आपका 2D एरे है। तो एरे के यहाँ पर देख सकते हैं ये वेरिएबल है, ये 1D एरे है जिसमें 1 डायमेंशनल या एक सबस्क्रिप्ट वैल्यू है, ये 2D एरे है और ये इसको हम बोल सकते हैं 3D एरे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉर्मूला सिंपल सा दिख रहा है कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये वेरिएबल है, वेरिएबल को ग्रुप करने पर 1D एरे बनता है, यानी 1D एरे इज ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, 1D एरे इज ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। 2D एरे क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा होगा ये एक 1D एरे है, ये एक 1D एरे है। तो 2D एरे क्या है, ग्रुप ऑफ 1D एरे या एरे ऑफ 1D एरे, ग्रुप ऑफ 1D एरे या एरे ऑफ 1D एरे। तो 2D एरे इज को मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ, 2D एरे इज एरे ऑफ 1D एरे। 1D एरे का 1D एरे को मैं एक छोटा सा एलिमेंट मानूं और उसका एरे बनाऊं तो 2D एरे बनेगा। सेम इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 2D एरे है, ये 2D एरे है और ये 2D एरे है। तो 3D एरे क्या होता है, 3D एरे इज एरे ऑफ 2D एरे। 2D एरे का ग्रुप बनाने पर हम 3D एरे बना सकते हैं, तो आप निश्चित सी बात है 4D एरे भी बना सकते हैं। 4D एरे को क्या करना पड़ेगा, इस एरे का ग्रुप बनाना पड़ेगा। 4D एरे इज ए ग्रुप ऑफ 3D एरे। 5D 4D का ग्रुप करके बनेगा, 6D 7D, आप उसको बढ़ाते जाइए। इस तरीके से आप देखेंगे कि जब आपका 11D 12D तक पहुंचेंगे तो एक सिंगल एलिमेंट में हजारों लाखों वेरिएबल्स होंगे। तो ऐसे एक ग्रुप करते जाते हैं और डेटा को ग्रुप करके हैंडल करते हैं, इस मैकेनिज्म को ही एरे कहा जाता है। बुक में आपको 1D 2D मल्टी डी देखने मिलेगा, लेकिन ये है कुछ नहीं, सिंपल वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया कि एक डिब्बा लीजिए जिसमें 5 चॉकलेट्स रख दीजिए, फिर 5 5 चॉकलेट वाले डिब्बे को एक बड़े डिब्बे में रख दीजिए, फिर उस 100 डिब्बे वाले चॉकलेट्स के ग्रुप को एक और बड़े डिब्बे में रखिए। इस तरीके से एक बड़ा डिब्बा क्रिएट होगा जिसके अंदर कैलकुलेशन जो है स्ट्रक्चर्ड मैनर में पूरी स्टोर्ड रहेंगी। तो ऐसे मैकेनिज्म को हम कंप्यूटर में भी डेटा को स्टोर करने के लिए कहते हैं और उनको 1D 2D 3D इस तरीके से नाम से जाना जाता है। 2D इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर डेटा इस फॉर्म में और इस फॉर्म में दो डायरेक्शन में बढ़ता है, इसमें इस फॉर्म में और एक थर्ड डायरेक्शन ये भी है। तो 3D जो बोलते हैं वो कुछ इस तरीके से हम समझते थे कि 3D क्या होता है, हमारे पास एक एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और एक और एक्सेस होता है, 3 एक्सेस हो गया, एक और एक्सेस हो जाए तो ये 4D हो जाएगा, 5D हो जाएगा। इस तरीके से उनका डायमेंशन, उनके एट्रीब्यूट जिस तरीके से चेंज होते हैं उनको हम डायमेंशन में डिवाइड कर सकते हैं। तो एरे कुछ है नहीं, केवल ग्रुप करने का एक तरीका है और कौन से एलिमेंट को हम किस पाथ के थ्रू थ्रू एक्सेस कर सकते हैं बस वो हमको जानना रहता है, ये मैकेनिज्म ही एरे कहलाता है। क्लियर है। अब आते हैं जावा। अब ये जो मैं थ्योरी बताया हूँ, ये जो कंसेप्ट बताया एरे का, ये कंसेप्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगा, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो, चाहे दूसरी लैंग्वेज हो जैसे जावा, एंड्रॉयड, PHP, सी सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, PB.NET, कोई भी, लाखों की संख्या में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जहां पर एरे की बात आएगी यही कंसेप्ट लगेगा कि उनको ग्रुप किया जाता है, वेरिएबल्स को ग्रुप करके 1D बनाया जाता है, 1D को ग्रुप करके 2D बनाया जाता है, 2D को 3D, 3D को 4D और कितना भी बड़ा बना सकते हैं आप। तो आपको पता आसानी से चल गया होगा कि जब हमारा आधार कार्ड का जो डेटा कंप्यूटर के सर्वर में स्टोर हो रहा होगा उसमें कितना बड़ा एरे बना होगा। उस बड़े एरे को हम दूसरा नाम भी दे दिया गया है जिसको हम DBMS या RDBMS और उसके आगे भी कई सारे बिग डेटा, हडूप, अलग अलग नाम दे दिया गया है। इनका काम सिर्फ यही होता है कि डेटा को ग्रुप करना और उनको हैंडल करना, जब भी हमारा डेटा मांगा जाए तो तुरंत और सही डेटा मिल जाए, जैसे फेसबुक का डेटा इसी तरीके से स्टोर होता है, इंडिया का डेटा एक सर्वर पर, जैसे मैं दूर भिलाई छत्तीसगढ़ का डेटा एक सर्वर पर स्टोर हो रहा है, MP का डेटा एक सर्वर पर स्टोर हो रहा है,
फिर उन सारे सर्वर को कनेक्ट कर दे रहे हैं, फिर इंडिया का डेटा, अमेरिका का डेटा, चाइना का डेटा, उन सबको सर्वर को कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो कोई कहीं से भी डेटा ले सकता है। क्लियर? तो ये कंसेप्ट है एरे का। अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट में, एरे की बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जावास्क्रिप्ट में एरे को देखा भी था। तो जावास्क्रिप्ट में अगर मैं एरे की बात करूं, तो यहाँ पर हमने एरे को बना करके कोड करके देखा भी था, तो उसको कुछ थ्योरी के फॉर्म में समझ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में एरे का जो होता है उसको तीन तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं भाई, जावा एरे लिटरल्स, और एरे को हम डायरेक्टली एरे कीवर्ड के द्वारा भी क्रिएट कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे एग्जांपल में कीवर्ड के द्वारा कैसे क्रिएट करते हैं, और एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का कंसेप्ट है, और वो ज्यादा कुछ है नहीं, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही होता है, स्पेशल फंक्शन को कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अगर किसी फंक्शन का नाम इसके नाम के एकदम सेम हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्लियर? तो ये है फंक्शन ही। क्लियर? तो देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं तीन प्रकार से एरे को। पहला एग्जांपल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जावा लिटरल्स के थ्रू हम कैसे क्रिएट करते हैं, और ये एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में देखा भी है। जब हमें एरे क्रिएट करना होता है तो वेयर कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद एरे का नाम लिखते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में ए लिखा था। जैसे यहाँ पर देखिए, इस लाइन पर एक एरे क्रिएट किया गया है और यहाँ पर वेयर कीवर्ड लिखे, यहाँ पर ईएमपी जो है एरे का नाम है, और उसके बाद सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज दी गई हैं, जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई हैं। तो ये जो एरे है ये तीन एलिमेंट्स का ग्रुप है। क्लियर? तो ऐसा हम एरे क्रिएट कर सकते हैं एरे लिटरल्स की सहायता से। क्लियर? ये एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में देखा भी था, इसी से ऐसे ही लगभग सिमिलर 10, 20, 30, 40 इस टाइप का एग्जांपल देखा था। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे कि सेकेंड मेथड जो हमारे पास है वो है एरे को हम डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं न्यू कीवर्ड के द्वारा, न्यू लिख करके एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये उसका सिंटेक्स है कि वेयर लिखना है, उसके बाद एरे का नाम लिखना है, उसके बाद इक्वल टू न्यू एरे लिखना है। आप यहाँ पर देखेंगे यही कंस्ट्रक्टर भी है, इसी को कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है जिसका नाम सेम इसके जैसा होता है, एरे जैसे एरे का कंस्ट्रक्टर है, ऐसे ही मान लीजिए स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्टर होता तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा होता, सेम नाम लिखा होता है। सेम नाम लिखा होने वाला जो फंक्शन होता है उसको फंक्शन ना बोल करके कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि उसको कॉल नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। और दूसरी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, मेमोरी इनिशियलाइज करता है, वेरिएबल डिक्लेयर करता है, उस प्रकार का काम करता है, ऑटोमेटिक करता है। ये सब कंस्ट्रक्टर वाले जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आगे पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक स्क्रिप्ट टैग ओपन किया है और यहाँ पर एक न्यू कीवर्ड से एक एरे बनाया। अब यहाँ पर न्यू कीवर्ड से जब हम एरे बनाते हैं तो इसकी साइज जो है हम यहाँ पर डिफाइन नहीं करते। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहले जो एरे होता था उसकी साइज फिक्स होती थी, तो ये हमारा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता था। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसकी साइज हमने डिफाइन नहीं की है, तो उसके बाद यहाँ पर इसकी जो साइज है वो डायनेमिकली चेंज हो जाएगी। तो जब मैं ईएमपी जीरो दूंगा, यहाँ पर देखिए एक एक एलिमेंट को हम एक एक करके दे रहे हैं, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स का जो नाम है ईएमपी है उनकी इंडेक्स वैल्यू आपको अलग अलग दिख रही होगी, 0, 1, इस इंडेक्स वैल्यू से ही हम पहचानते हैं। तो पहली वैल्यू दिया मैंने अरुण, दूसरी वैल्यू दिया वरुण, तीसरी वैल्यू दिया मैंने जॉन। क्लियर? तो इस प्रकार से मैंने तीन वैल्यूज यहाँ पर दी है, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सेम वही कोड है, emp.length, और यहाँ पर मैंने document.write ऐसा लिखा, और यहाँ पर अरुण, वरुण और जॉन ऐसा लिख दिया है। क्लियर? तो ये जो है आपका आउटपुट है।
ऊपर वाले एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आउटपुट था जावा लिटरल में, यहाँ पर जो तीनों वैल्यू थी अरुण, वरुण और जॉन, एक ही लाइन पर दिया गया था तुरंत। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल आप देख रहे हैं उसमें तुरंत आउटपुट नहीं दिया गया है, बल्कि एक एक करके इसको बढ़ाया गया है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक करके 0, 1 और 2 और 3 ऐसा बढ़ाया गया है। क्लियर है? और आप इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 अपने हिसाब से 8, 9, 10 बढ़ाते जाइए। यानी कि ये डायनेमिक एरे की तरह है, इसकी साइज कभी भी चेंज हो रही है। तो जावास्क्रिप्ट का जो एरे है वो डायनेमिक होता है, डायनेमिक भी होता है स्टैटिक भी होता है, दोनों अलाउड है। जबकि दूसरी पुरानी लैंग्वेजेस जैसे सी, सी प्लस प्लस में आप देखेंगे तो आपको स्टैटिक एरे मिलेगा, वहां पर आप ऐसे साइज बढ़ा नहीं पाएंगे बीच में। पर शुरू में साइज देनी पड़ती है कि शुरू में इसकी साइज अगर 5 है तो 5 तक ही बढ़ेगा ये, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एरे जो है आपको डायनेमिक देखने के लिए मिलेगा। तो आप इस तरीके से दूसरा तरीका देखा कि आपने ऐसा भी एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे तीसरा मैकेनिज्म। यहाँ पर आपको तीसरा मैकेनिज्म देखने के लिए मिलेगा जिसमें आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है वो एरे को क्रिएट कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं होता बल्कि एरे नाम का कीवर्ड ही होता है या एरे नाम का फंक्शन ही है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही ये वैल्यू दे दे रहे हैं। अभी मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई वैल्यू नहीं दी थी तो वो जीरो साइज था और बाहर में वैल्यू दे रहे थे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कंस्ट्रक्टर के अंदर ही यहाँ पर वैल्यू दे पा रहे हैं। लास्ट जो सेकेंड मेथड था उसमें भी आपको मैं दिखाता हूँ। इस सेकेंड मेथड में देखेंगे आप कि आपको यहाँ पर ऐसा मिला था और बाद में हम उसमें वैल्यू दे रहे थे। कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया जा रहा था, जीरो आर्ग्यूमेंट थे। तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड के साथ जीरो आर्ग्यूमेंट, और थर्ड मैकेनिज्म जो है उसमें कीवर्ड के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाते हैं और ये कंस्ट्रक्टर में पास किए जाते हैं। तो ऐसे तीन तरीके के मैकेनिज्म हैं जिससे आप एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का जो एरे होता है उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि पहला तो जावास्क्रिप्ट का एरे जो है वो डायनेमिक एरे अलाउ करता है। जावास्क्रिप्ट में एरे को बनाने के लिए डायरेक्ट हम लिटरल्स का यूज कर सकते हैं। लिटरल्स को डायरेक्ट इनिशियलाइज करके इम्प्लिसिट कन्वर्शन होता है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन होता है, इसलिए हम डायरेक्ट लिटरल्स देते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज दे देते हैं उसको, और वो अपने आप उस वैल्यू को पहचान करके उसको एरे में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा मैकेनिज्म आपने देखा कि हम न्यू कीवर्ड से एरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं और जीरो आर्ग्यूमेंट देते हैं। और तीसरा कंसेप्ट आपने देखा कि एरे न्यू कीवर्ड के साथ एरे नाम का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स को एरे में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और आगे की कोडिंग जो है वो बिल्कुल सेम होती है। आप देख रहे होंगे कि तीनों मेथड में ये जो कोड है वो बिल्कुल सेम होता है। क्लियर? जावास्क्रिप्ट का जो एरे है उसमें कुछ मेथड्स भी होते हैं। जैसे ही आप किसी वेरिएबल को एरे में कन्वर्ट कर देते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्शन के द्वारा, तो वो जो एरे होता है उसमें कुछ ये मेथड्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। उन मेथड्स को आप काफी आसानी से इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे पहला मेथड है कॉनकैट। ये एडिशनल चीजें हैं जो पुरानी लैंग्वेजेस जैसे सी, सी प्लस प्लस में नहीं होती हैं। तो उसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर जब मैं कॉनकैट मेथड यूज करूंगा तो दो एरे को वो जोड़ देगा। दो एरे को जोड़ने का काम हम कर सकते हैं काफी आसानी से। पहले से बने बनाए मेथड है, उनको कॉपी कर सकते हैं, उनको उसमें एंट्रीज को देख सकते हैं। बहुत सारे मेथड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से काफी सारे मेथड, जैसे एरे में कुछ हमें फाइंड करना है, कुछ फिल्टर करना है, तो जावास्क्रिप्ट में ऐसे मेथड्स हमारे पास पहले से बने बनाए हैं कि हम उसको आसानी से कोई भी डेटा पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं।
तो सेम अगर मैं आपको ये एग्जांपल दिखाऊं कि अगर हमारा आधार कार्ड का डेटा कुछ इस तरीके से ग्रुप करके रखा हुआ है, तो अगर मुझे किसी पर्सन का मोबाइल नंबर ढूंढना है जिसका आधार नंबर ये है, तो काफी आसानी से मैं ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि इस एरिए में पहले से बने बनाए चीजें रखी हुई है। मैं फाइंड लिखूंगा और आधार कार्ड का नंबर दूंगा, उसका मोबाइल नंबर डिटेल वगैरह सब मिल जाएगा मुझे सेम इसकी तरीके से। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे मैं फाइंड लिखूं या फिल्टर लिखूं, तो उस बड़े से बॉक्स के अंदर, इसको ऐसा एग्जांपल से भी समझिए, एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें 10,000 चॉकलेट हैं, वो हजार हजार के बॉक्स में है, फिर हजार हजार 100-100 के बॉक्स में है, फिर 100-100 वाला 10-10 के बॉक्स में है। लेकिन उस बड़े से बॉक्स में मैं अगर ऑरेंज कलर की चॉकलेट ढूंढना चाहूं, तो बाहर से ही मेथड हमें मिला हुआ है कि इस बॉक्स के अंदर इतने नंबर के ब्रांच में हमको वो वाला चॉकलेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें काफी आसानी से दी गई। इसको जब आप एक प्रोग्राम से करके देखेंगे तो काफी आसानी से समझ में आएगा। इसका मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि आपने एक एग्जांपल देख भी रखा है इसका, जो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एरे की जो लेंथ है, यानी मेरे पास एक बॉक्स आया, उस बॉक्स में कितने चॉकलेट्स हैं वो मुझे नहीं पता है, तो मैं चॉकलेट है उनको पता करने के लिए बॉक्स को खोलूंगा और फिर से गिनूंगा नहीं, सिर्फ मैं बॉक्स के आगे लेंथ लिखूंगा, वो मुझे बता देगा बाहर में इंफॉर्मेशन। बॉक्स के बाहर में ही सारी इंफॉर्मेशन होती है कि उसमें कितनी चॉकलेट्स हैं। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे बॉक्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से ही गिन के लिख दिया गया है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट का जो एरे होता है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसमें बहुत सारी चीज जैसे फाइंड करना, उसकी लेंथ निकालना, ये सारी चीजें पहले से ही करके दे देता है। तो जस्ट मैं लिखूंगा emp.length, तो उसमें कितने एलिमेंट है मुझे स्क्रीन पर मिल जाएंगे, मुझे गिनना नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ हमें और बेनिफिट्स देता है। तो इस तरीके से आपने आज देखा जावास्क्रिप्ट में जो एरे है, और एरे को आपने इस तरीके से कंसेप्ट से भी समझा। इसमें कोई डाउट है तो आप उसमें पूछ सकते हैं।